आज मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग ना करें, क्योंकि इंसान या तो खुद गलती करके सीखता है या तो किसी की गलती को देखकर सीखता है। अगर आप भी बिना गलती किए हुए सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि मेरी एक शॉर्ट वीडियो पर अच्छा खासा व्यू आ रहा था, क्योंकि वीडियो शॉर्ट फीड में चली गई थी और 99% व्यू शॉर्ट फीड से ही आ रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो शॉर्ट फीड में चली गई है, अगर इसमें कुछ नया टैग और कुछ नया कीवर्ड लगा दिया जाए तो वीडियो में और भी अधिक व्यू आने लगेगा और वीडियो और भी ज्यादा वायरल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने शॉर्ट वीडियो में नया टैग और नया कीवर्ड लगाया, उसके बाद से ही वीडियो में व्यू आना बंद हो गया। ये सब कुछ देखने के बाद मैंने जो नया कीवर्ड और नया टैग शॉर्ट वीडियो में लगाया था उसको हटा दिया, लेकिन नया टैग और नया कीवर्ड हटाने के बाद भी अभी भी वीडियो में व्यू आना स्टार्ट नहीं हुआ है। वीडियो में बिल्कुल भी व्यू रुक गया है, बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहा है। कभी भी वीडियो पब्लिक करने से पहले अपनी वीडियो में जो भी एडिट करना है वो कर लेना है। कभी भी वीडियो पब्लिक होने के बाद वीडियो के संग छेड़छाड़ नहीं करना है। यदि मान लीजिए आपके चैनल पे कोई भी वीडियो वायरल हो गई है तो उस वीडियो के संग कभी भी छेड़छाड़ न करें, नहीं तो जब भी आप उस वीडियो के संग छेड़छाड़ करेंगे तो आपके उस वीडियो पे व्यू आना बंद हो जाएगा या वीडियो पर व्यू आना बंद हो सकता है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में और आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो इस प्रकार हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में और अपने चैनल के सभी वीडियो को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे वो वाली शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं जिसपे हम आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं। और इस वीडियो पे देखिए लगभग 1700 के आसपास इसमें व्यू आ चुका था उस समय जब मैंने इस वीडियो के संग छेड़छाड़ किया, तब तक इसमें इतने व्यू आ चुके थे। इसके लिए देखिए, देखने के लिए इसके वीडियो के टाइटल पर टच करेंगे। सेकेंड नंबर पे देखिए एनालिटिक्स का ऑप्शन है, एनालिटिक्स का ऑप्शन पर टच करेंगे जिससे वीडियो का एनालिटिक्स ओपन हो जाएगा। और एक ग्राफ के माध्यम से देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ, अभी 1700 के आसपास इसमें व्यू है। ग्राफ में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वीडियो पब्लिक होने के बाद कितनी तेजी से इसमें व्यू आया है और उसके बाद जब मैंने वीडियो से छेड़छाड़ किया तो उसके बाद वीडियो बिल्कुल व्यू आना बंद हुआ है। इस वीडियो को मैंने देखिए यहाँ पे 1 अक्टूबर को पब्लिश किया था और 5 अक्टूबर तक इसमें लगभग 1700 के आसपास व्यू आ चुका था। सारे व्यू शॉर्ट फीड से ही आए थे, 99% व्यू शॉर्ट फीड से ही आया था। और आज 11 अक्टूबर हो गया है, 48 घंटे में इसमें देखिए 0 व्यू आया है। तो ज़्यादा देखने के लिए सी मोड पर टच करेंगे जिससे इसका ग्राफ और भी क्लियर ओपन हो जाएगा। और यहाँ मैं डे बाय डे आपको दिखाऊंगा कि कितने दिन में कितना व्यू आया है। और देखिए यहाँ पर हम चलते हैं ग्राफ में, ग्राफ में आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए पहले दिन इसमें 195 व्यू आया था, दूसरे दिन इसमें 295 व्यू आया और चौथे दिन 903 व्यू आया है। और पांचवें दिन देखिए यहाँ पे 1694, लगभग 1700 का जो आंकड़ा है ये वीडियो पांचवें दिन ही छू लिया था और उसके बाद से ही वीडियो पर बिल्कुल भी व्यू आना बंद हो गया, क्योंकि छठवें दिन मैंने वीडियो के संग छेड़छाड़ किया, उसमें नया टैग और नया कीवर्ड उसमें लगा दिया जिसकी वजह से ये वीडियो पे व्यू आना बिल्कुल भी बंद हो गया है। देखिए उसके बाद से ही एकदम सीधी लाइन चल रही है। तो चलिए वीडियो के एडिट सेक्शन में चलते हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पेंसिल का निशान बना हुआ है, इस पर टच कर देंगे जिससे हम वीडियो के एडिट सेक्शन में पहुँच जाएंगे और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें मैंने क्या छेड़छाड़ किया था। देखिए ये जो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जब मैंने वीडियो पब्लिक किया था तब भी यही था। और यहाँ पे देखिए जो टाइटल है वही मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था और बस ये हैशटैग का यूज किया था, इसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं किया था। अगर टैग की बात करें तो यही टैग मैंने वीडियो पब्लिक करते समय लगाया था, जो नया टैग मैंने लगाया था उसको अभी फिलहाल हटा दिया है और जो नया कीवर्ड भी डिस्क्रिप्शन में लगाया था उसको भी हटा दिया है, लेकिन उसके बाद भी वीडियो पर अभी भी व्यू आना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो इस प्रकार की गलती ना करें, वरना आपकी वीडियो पे जो व्यू आ रहा है वो व्यू आना भी बंद हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर के साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।